आईनी तरमीम के जरिए वजीर आजम से इख्तियार वापस लिया जा रहा था कि वो आर्मी चीफ को बरतरफ नहीं कर सकता, बल्कि आर्मी को आप कह लें कि एक आजाद इदारा बना दिया जाना था, जिससे जितनी मर्जी हुकूमत कोशिश करे आर्मी चीफ को वो हटा नहीं सकती। इसी वजह से मौलाना ने रात गए कहा है कि ये कैसी तरमीम लेकर आ रहे हैं कि अदलिया के साथ साथ आप फौज को भी तबाह करने जा रहे हैं। असल मायनों में दोस्तों, वन मैन शो इस मुल्क में आपको देखने को तब मिलेगा जब ये आईनी तरमीम जो है वो पास होगी। मौलाना अब कैसे सड़कों पर आने का कह रहे हैं अपने भी सपोर्टर्स को, और इस तरमीम को अब वो नहीं होने देंगे। उनकी इस तकरीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान डट कर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। आप ये उनकी तकरीर सुने जरा। कहने लगे आप हमारे साथ, हमें आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी, हम तो उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मुसौदा कहाँ है? कानून का मुसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मुसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मुसौदा हमारे पास पहुंच गया। और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ्फुज़ करना जानते हैं और इंशाल्लाह तहफ्फुज़ करेंगे। और आज के जलसे से थोड़ा मेरे साथ हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अहद पैमान करें कि अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया, मेरे इस्लाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया, तो ये आवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर लाएगी। लब्बैक लब्बैक।